मैं तुम्हें सुबह से इतने फोन कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही? कल के बाद कुछ कहने और सुनने के लिए बाकी रह गए? मैं क्या बात करूँ आपसे? तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। समझने की कोशिश करो मुझे बेटा। क्या समझूं मैं? शैला आंटी के सामने मेरा क्या इमेज बना? आप जाएं और उन्हीं के पास आके बैठे। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हारे फोन ना उठाने की वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी? हालांकि आपको होना नहीं चाहिए था। तुम्हारी फिक्र ना होती ना तो माहिन को मैं कभी यहाँ ना लाती। इसके बहाने से ही सोचा मैंने कि तुमसे भी मिल लूंगी। माहिन को कहाँ है वो? अच्छा छोड़ो ना इसे, तुम मुझे ये बताओ कि घर में सब ठीक था ना? मतलब सुहेल का मूड ठीक था और तुम्हारे ससुर का भी? सबका ठीक था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और महापारा, उससे तो कोई बात नहीं हुई? महापारा, उसे रायत को फंसाने से फुर्सत मिले तो कुछ और करे ना। पढ़ाई की आड़ में बंद कमरे में न जाने कौन कौन सी हरकतें होती हैं। क्या बताऊं मैं आपको? जरा तुम्हें पता है ना ये लोग? पता है पता है, इन सब ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई है। तुम क्या बोल रही हो? आप नहीं जानती इस घर में क्या खेल चल रहा है, और वो भी मम्मी जी की परमिशन पर। वो खुद कहती हैं, जाओ महापारा मेरी अमेरिकन बेटी से अंग्रेजी में शायरी सीखो। वो जानती हैं कि इस महीने उनका बेटा वापस अमेरिका चला जाएगा, और वैसे भी महापारा कहीं और एंगेज्ड है। तुम्हारा शक सही नहीं है? किसने कह दिया आपको कि वो एंगेज्ड है? तुम्हारे वलीमे पे रायद ने तुम्हारी मुमानी को खुद बताई है ये बात, वरना वो तो अकबर के लिए उसे पसंद कर बैठी थी। क्या? और आप अब मुझे ये बात बता रही हैं?